This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. टिक ऊपर है, ये जब तक ऊपर है नीचे जब तक नहीं जाते तब तक हम प्रॉपर सेलिंग नहीं बोल सकते। अभी रिट्रेसमेंट बाकी है, 10,600 सपोर्ट आ रहा है, मेरे ख्याल से अभी भी बाइंग में रहना चाहिए। अभी बाइंग करते समय देखना चाहिए कि सब मिट्टी का जो सपोर्ट है देखिए के साथ में 10,660 है, 10,660 में का सपोर्ट है। निफ्टी सपोर्ट लेवल है, स्टिल बुलिश लुक्स बुलिश है, स्टिल शॉर्ट टर्म बुलिश है। एज पर H3 और H1 के साथ ही रहना पड़ेगा। कंटिन्यूस H3 और H1 के साथ ही रहना पड़ेगा क्योंकि कहाँ से रेजिस्टेंस लेगा नहीं बता सकते। अगली कॉमन आरए से ऊपर आया, उस दिन हमने देखा था निफ्टी नीचे गई थे, आरए से नीचे गया था, लेकिन ये प्राइस ऊपर आने के बाद आरए से ऊपर आया। तो ये जब क्वार्टरली क्लोज जब तक बराबर होता नहीं है तब तक हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या निफ्टी कहाँ जाना चाहती है। कि ये आरएसआई ऊपर है इसका मतलब अभी भी बुलिश मार्केट चल रहा है। ये समझो क्वार्टर एंड में आरएसआई नीचे जाएगा, मतलब क्वार्टर एंड मतलब दिसंबर एंड में, अभी 13 दिसंबर चल रहा है, दिसंबर एंड में समझो आरएसआई नीचे जाएगा तो नीचे आ सकता है मार्केट, नहीं तो अभी तक हम बाइंग में ही है। जब तक ये क्लोज जब तक ऊपर नीचे ऊपर नहीं होता है, क्वार्टरली का क्लोज बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जो ईयरली का क्लोज भी हो जाएगा क्योंकि ईयर भी खत्म हो रहा है। तो क्वार्टरली क्लोज जो है वो ईयरली का क्लोज भी रहेगा, मंथली का भी क्लोज रहेगा और वीकली का भी रहेगा। तो ये देखना चाहिए क्योंकि वीकेंड रहेगा तो वीकली का भी रहेगा। तो वीकेंड नहीं है, फर्स्ट है, तो ईयरली का क्लोज रहेगा, क्वार्टरली का इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसमें क्वार्टरली क्लोज समझो नीचे आ जाता है और आरए से नीचे आ जाता है तो हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे कि हाई रेट में रेजिस्टेंस है। अभी कुछ नहीं बोल सकते, अभी तो हमें आवाज नहीं आ रहा। अबाव मिड एवरेज चाहिए और वीकली में आरएसआई सस्टेन अबाव सिग्नल लाइन चाहिए, अबाव सिग्नल लाइन चाहिए चाहिए और शॉर्ट एवरेज less than mid average short average less than mid average mid average or gap large and large gap चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम लेकिन शॉर्ट एवरेज
अबाव मिड एवरेज रहेगा तो भी चलेगा, तो ये स्टॉक देखने चाहिए। हेलो कैन यू हियर मी? हेलो यस सर, यस सर। तो ये ऐसे स्टॉक देखने चाहिए, तो मैंने मेरी लिस्ट में लिखा था सीजी पावर है, स्टॉक्स अभी ऊपर आ रहे हैं, जो पावर है के हिसाब से ऊपर आ रहा है, तो ये स्टॉक्स ऐसे स्टॉक हम ढूंढ सकते हैं जिसमें क्वार्टरली में बुलिशनेस, कंप्लीट बुलिशनेस रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन छोटा भी बुलिशनेस है तो भी, शॉर्ट एवरेज अबव मिड एवरेज का भी बुलिशनेस है तो भी हम बाय कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हमने देखा था उज्जीवन का टच करने जा रहा है इधर, तब ये ऐसे स्टॉक भी हम बाय कर सकते हैं, होल्डिंग पर्पस के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे कि इंट्राडे या तो सक्सेसफुल नहीं रहेगा, होल्डिंग पोजीशन सक्सेस रहेंगे तो बुलिश में जो है स्टॉक है वो तो अपने बुलिश के लिए तो अपने मालूम है, वीकली का आरएसए ऊपर रहेगा तो ये अभी वीकली का आरएसए ऊपर नहीं है, तो वीकली का आरएसए ऊपर रहेगा वो स्टॉक प्रिफर करना चाहिए, हमने भी ये ला रहा है ऊपर, हमने देखा था उस दिन। ओके तो ऐसे स्टॉक हम सिलेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए, और जितना हो सके उतना ओवरसोल्ड स्टॉक रहेगा तो हम बाय कर सकते हैं, बुलिश में ये मत बाय करना, ऐसे मत करना बाय, कम है अरे से नीचे है तो क्वार्टरली वीकली वीक है तो नीचे जाएगा, लेकिन बाकी बुलिश में स्टॉक रहेंगे तो बाय कर सकते हैं, ए बी भी एक अच्छा था, पहले भी देखा है मैंने, तो ए बी भी एक अच्छा बाइंग का है स्टॉक, तो ऐसे स्टॉक हम ढूंढ सकते हैं, जब क्वार्टरली में ढूंढना है तो ऐसे ढूंढना चाहिए, क्वार्टरली में क्लोज अबाउ शॉर्ट एवरेज होना चाहिए, क्वार्टरली डाटा है ये, क्वार्टरली में क्लोज अबाउ शॉर्ट एवरेज होना चाहिए, और क्लोज अबाउ शॉर्ट एवरेज होने के बाद आर एस ए ऊपर आना चाहिए, और बाद में गिरना चाहिए स्टॉक, गिरने के बावजूद भी आर एस ए नीचे नहीं गया, सेकेंड टाइम क्लोज दे रहा है ऊपर, और वीकली में भी बाइंग है, इसी में भी बाइंग है, तो ये ऊपर के लेवल पे जा सकता है, तो ऐसे स्टॉक्स हमें ढूंढने चाहिए। बुलिश वाले स्टॉक रहेंगे, थोड़ा स्कैन करके देखते हैं कोई बुलिश वाला है तो, मैंने दो बताए हैं आपको, एक्सिस बैंक बताया है, और आप ढूंढ सकते हैं ओवरसोल्ड में, ये सब ओवरसोल्ड स्टॉक्स है, बुलिश जाना है तो ग्लेनमार्क फार्मा, डॉक्टर रेड्डी भी जा रहा है, हमने देखा है डॉक्टर रेड्डी भी जा रहा है ऊपर की तरफ, इसलिए मेरे सपोर्ट के पास आया है, बाय कर सकते ये रेवली और ये लेके, कंप्लीट बुलिश और अभी भी बुलिश लगा है उसमें से ए बी भी जाता है, और ओवरसोल्ड में बुलिश में जाएंगे अलग स्टॉक और ओवरसोल्ड में जाएंगे अलग स्टॉक, बुलिश की लिस्ट में आते हैं ए बी भी बेस्ट है, ये शॉर्ट टर्म बुलिश है, यहाँ से तक जाएगा एग्जावेयर ये अपनी लिस्ट में है, तो खाली एक देखना चाहिए कि आर एस ए नीचे है और यहाँ पे ऐसे डिफरेंस कम है, ऐसे स्टॉक्स अवॉइड करना चाहिए, बाकी आर एस ए नीचे है और ये डिफरेंस कम है, यार थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो चल सकता है लेकिन कम नहीं चाहिए, उनके लिए चांस नहीं मिलता है, ये भी ऊपर रहेगा इंडिया वॉसिंग ये भी है ओवरसोल्ड वाला है, मतलब ओवरसोल्ड में मेरे पास लिस्ट है, लास्ट टाइम कल बनाई थी ओवरसोल्ड,
स्टॉक की और पूरी स्टॉक की बनाई इसे ये कोई है क्या देखते हैं एक्स्ट्रा कोई मिल रहा है क्या इंडियन बैंक हमने डिसाइड डिस्कस किया था उस दिन इंफोसिस भी बाय कर सकते हो ये इंफोसिस बुलिश में जा रहा है आर भी बाय कर सकते हो लेकिन मोमेंटम कवर भी हमने देखा था अभी बाय करने बताया था आपको चलिए दिखा था बीच में काफी मोमेंट हो गया ये ऐसे स्टॉक हम बाय कर सकते हैं इसमें बुलिशनेस है बुलिश में स्टॉक जाते हैं बुलिश में जाते हैं तो एबीबी फर्स्ट आ जाते हैं एबीबी है एक्सिस है एलटी है अपना अभी देखा था वो कावेरी के एक्सएल था था उस दिन ये है बुलिश वाले स्टॉक पर कहीं पे स्टॉक थोड़ा सा नीचे जाता है मार्केट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड है रखें अच्छा रहेगा मदर सन सनी जी फोर सोल वाला मदर सन सनी रिलायंस कैपिटल है टाटा मोटर है सीजी पावर है हेलो कैन यू हियर मी यस यस मैं देख लिया हेलो कैन यू हियर मी यस सर यस सर यस सर यस सर यस हेलो कैन यू हियर मी यस यस सर सर वी कैन ओके यस सर तो एमबीसीसी भी है शॉर्ट टर्म बुलिश में है लास्ट में बनाई थी हमने रिफर कर लेना लेकिन ये गैप थोड़ा ज्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा फिर जल्दी हो जाएगा अभी तो आज मतलब शॉर्ट सेल के लिए चांस नहीं दिख रहे क्योंकि शॉर्ट सेल का मार्केट अभी क्वार्टरली वीक जब तक नहीं होते तो शॉर्ट सेल में जाने का मतलब नहीं बनता है खाली इंट्राडे कुछ शॉर्ट सेल रहेगा तो कर सकते क्वार्टरली वीक जाएगा तो ही मार्केट ज्यादा नीचे जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा हम मतलब अभी डिस्कस नहीं कर रहे दूसरे स्टॉक्स हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम डिस्कस किया है बहुत सारे स्टॉक्स जो करंट सिनारियो में हमें ओके कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप हॅलो हा बोला अच्छा साहेब मला आजचं जरा डेली निफ्टी लावा ना अच्छा आज साधारण 12:30 नंतर निफ्टीने उचल खाल्ली तर त्याचं इंडिकेशन कुठे आपल्याला मिळू शकतं अरे हे आता निफ्टी वर जाणार आहे याचं इंडिकेशन कुठे मिळू शकतं आपल्याला आता एक एच टी मध्ये चार्ट मध्ये आरएसआय कुठे वरती आहे ना एच वन चा चार्ट मध्ये बघा ना आरएसआय कुठे अच्छा कुठे आहे तो नाही माझ्याकडे हा 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 इथे हा हा बरोबर आहे बरोबर आहे हा वरती आहे म्हणजे मार्केट वरती आहे एच टी मध्ये पण वरती आहे मार्केट आरएसआय बघायचा आणि हा आरएसआय बघायचा ओके आता हा लास्टला खाली आलाय म्हणजे थोडस खाली येईल मार्केट उद्या बरं खाली येऊन शॉर्ट सेलला जागा आहे का बघूया आपण विकली तर आरएसआय खाली नाहीये म्हणजे शॉर्ट सेलला जागा नाहीये ओके
डेलीचा शॉर्ट एवरेज मध्ये येईल दॅट इज हियर 10,680. अच्छा आरएसए खालीच राहिला ना उद्या बिलो सिग्नल है नीचे रहता है तो ये स्टॉक यहाँ से गिर के यहाँ तक आ जाएगा फिर. अच्छा यहाँ से गिर के यहाँ तक आ जाएगा. ओके ओके ये आर एस से नीचे रहता है तो नहीं अगर कल स्टार्टिंग में म्हणजे उद्या समजा वरती जायला लागला तर कदाचित वरही जाईल. वरती जाईल ना तर वरती जाईल आर एस वरती गेला तर वरती जाईल. अच्छा ओपन लोला होईल ना सर ओपन कमीला होईल ना मग काय कुठे ओपन होऊन देत खाली रिट्रेस झाला डेली डेली शॉर्ट एवरेज पर्यंत तर त्याच्यानंतर वरती जाऊ शकतो ना. एवढा इथपर्यंत खाली आला खाली ओपन झाला आणि टच केला ना संपला वरती जाणार वरती जाऊ पण दिस आर एस आय इज इम्पॉर्टंट फॉर इंट्राडे पर्पज. आज दिलेल्या सगळ्यांचे मिड एव्हरेज ऑफ विकली E3 ना E30 ना म्हणजे E30 ऑफ विकली ना व्हॉट आता हे सगळे बायचे स्टॉक्स दिले त्यांचे टार्गेट या शॉर्ट टर्म बुलिश विकली E30 और मंथली E6 मंथली सर ये हनीवेल ऑटोमेशन के बारे में बताइएगा प्लीज जरा. कौन सा हनीवेल ऑटोमेशंस लिंक है हनीवेल. हेलो या हेलो कौन सा स्पेलिंग है एच ओ एन ए यू टी so at least for intraday purposes can we buy this thing intraday prospect nahi hai buy ka lekin positional prospect buy ka hai. okay intraday kyun nahi h3 ka dekho na MACD niche hai na upar khulega to niche jayega sidha. okay generally intraday ka जनरली सोचना ना मत क्योंकि इंट्राडे में आप पोजिशनली प्रैक्टिस करेंगे तो इंट्राडे सक्सेस हो जाएगा लेकिन आप इंट्राडे सक्सेस करेंगे तो पोजिशनल भी नहीं हो जाएगा इंट्राडे भी नहीं हो जाएगा. ओके पोजिशनल आप पहला सीखो पोजिशनल मूवमेंट कैसी होती है वो देखो उसके बाद में इंट्राडे के पास जाओ इंट्राडे सक्सेसफुल जरूर मिलेगा लेकिन आप खाली इंट्राडे के हिसाब से चलोगे आना तो प्रॉब्लम हो जाएगा. जो ट्रेडिंग में पोजिशनल प्रॉस्पेक्ट लेके आएंगे तो ही सक्सेस मिलेगा. ओके इंट्राडे में भी मिलेगा फिर. श्योर श्योर ओके थैंक यू सर थैंक यू. पोजिशनल मतलब कैसे मालूम है बहुत बार क्या होता है कि हम पोजिशनल अभी ये देखो ये पोजिशनल ट्रेड है लेकिन ये एक्सट्रीम नीचे जा रहा है ना तो अभी ये लेवल पे नहीं बाय है तो नीचे किधर तो बाय है ढूंढना है. फिर देखो क्वार्टरली का आ रहे थे नीचे इसका मतलब ये थोड़ा सा नीचे में किधर तो बाय करेंगे तो अच्छा रहेगा 650 के आजू बाजू बाय करेंगे तो अच्छा रहेगा करेक्ट. तो ये ऐसे ढूंढना है कहाँ जाता है अभी देखो एक्सट्रीम सेल मिला है तो इसका मतलब कहाँ ना तो नीचे जा रहा है वो स्टॉक तो ढूंढना है कहाँ पे नीचे जा रहा है. तो ये 650 के आजू बाजू में जा रहा है 660 या 650 के आजू बाजू मालूम पड़ गया क्योंकि ईयरली चार्ट क्वार्टरली देखा तो आ रहे से नीचे है इसका मतलब ये ईयरली के शॉर्ट एवरेज के पास जा रहा है तो एवरेज ईयरली का शॉर्ट एवरेज है 650 ये तुरंत समझ में आ जा रहा है. आगे आगे चल के यही आपको काम करना है इसमें बाय से बाय पकड़ना है फिर इंट्राडे सक्सेस हो जाएगा. पोजिशनल प्रॉस्पेक्ट वाले स्टॉक ले लो फिर लेकिन आप पोजिशनल प्रॉस्पेक्ट नहीं लेंगे और खाली इंट्राडे करेंगे तो सक्सेस रेशियो नहीं मिलेगा आपको.
ओके सर, गॉट इट गॉट गॉट इट, थैंक यू सर. क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत बार अपनी खुद की इंट्यूशन भी आ जाते हैं बाद में, मतलब अपना खुद ये yes, टाइम भी आ जाता है, क्योंकि फंड अपना yes. लगता है ना. ओके सर, 2600 के आसपास है तो वी शुड वेट टिल 2500. नो व्हिच वन? डॉक्टर रेड्डी सर. हां डॉक्टर रेड्डी. हां 2500 पर्यंत येईल. हां इट कैन कम, मग थांबते मी. अदरवाइज H3RA7 इट कम्स अप ना, यू जस्ट बाय, करेक्ट, ट्राय टू बाय एट लोअर एंड. हेलो सर, सिप्ला, कैन यू गिव मी योर व्यू सर ऑन इट? ला 590 विल बी द एग्जिट, आई डोंट नो. It will come to this level. Definitely. Yeah. Because whichever the stock it turns to be bullish or bearish, it tries to meet mid average of weekly. मतलब जब भी bullish बनता है तो भी पहली बार गिरेगा तो weekly के mid average पे गिरेगा, बेरिश बनना है तो भी पहले बार बढ़ेगा वो वीकली के मिड एवरेज पे बनेगा, तो बढ़ेगा, ये होता ही है. शॉर्ट सेल जो कुछ होना है वो ये लेवल पे होना है. ये लेवल तो लेके खड़े रहते हैं कोई भी चार्ट से, क्वार्टरली के हिसाब से समझो कोई स्टॉक बुलिश बनने जा रहा है तो वो मंथली के मिड एवरेज पे आ जाएगा. तो ये स्टॉक, तो ये देखो एबीबी बुल बनने जा रहा था, ये देखो बुल बनने जा रहा है, मंथली के मिड एवरेज पे आके सपोर्ट लेके जाएगा. एक्सिस बैंक देखो, एक्सिस बैंक भी क्वार्टरली के हिसाब से बुलिश बनने जा रहा था तो मंथली के मिड एवरेज पे आया, ये देखो मंथली के मिड एवरेज पे आया, बाद में ऊपर गया. ऐसे कोई भी बेयरिश भी बनना है, डिश टीवी बेरिश बन रहा था, बेरिश बन रहा था तो वीकली के मंथली के मिड एवरेज पे आया, उसके बाद में गिरना चालू किया. तो पहला तो बेरिश बनने के पहले या बुलिश बनने के पहले वो मंथली के मिड एवरेज पे आता है जनरली, कोई भी चार्ट में वैसा होता है, लेकिन तो मैंने अभी हायर टाइम फ्रेम बताया आपको. But sir, in this case, basically MACD and RSI is both lower, right? So that's why it is coming down, right? हाँ ये तो है, लेकिन कभी भी ये देखो यहाँ पे जब भी था ना, ये जो ये कंडीशन में था ना, जब भी तो बुलिश लग रहा था ना. Correct. Yes. हाँ. Correct. ऊपर जा सकता था, लेकिन ये मंथली के मिड एवरेज पे आके गिर गया वापस. मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जब भी बुलिश बनना है या बेरिश बनना है तो पहला तो मंथली का मिड एवरेज टच करके जाएगा. तो सिप्ला अभी मंथली का मिड एवरेज को टच करके जाएगा या वीकली के मिड एवरेज तो कम से कम टच करेगा. ठीक है, मैं तो वीकली का ही बता रहा हूँ. ओके सर, मेरे भाई ये 580 ना, वीकली का मिड एवरेज भी है 580. लुकिंग कभी क्रॉस करेगा नहीं बता सकते, लेकिन बाइंग का पोजीशन है. ओके, इसके बारे में क्वेश्चन है उनका. लुकिंग 1000 कभी क्रॉस करेगा नहीं मालूम मुझे, लेकिन बाइंग पोजीशन है ये इतना मालूम है. हेलो, एनबीसीसी बाय में है अभी, करंट सिनारो बाय में है.
Okay, good night. मंथली मिड एवरेज आ जाएगा वहां पे कवर कर लेना चाहिए ना मंथली मिड एवरेज पे